को भाई रावण की गांठ बंदी करी जा रही है। कर कर कर। लो भाई, ओ भाई साहब, वो आ गया हवा में आ गया भाई। जब लेटा हुआ था ना तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था, अब जैसे जैसे खड़ा हो रहा है ना 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, चीज एंड लेवल लग रही है। कितना बढ़िया डिजाइन लग रहा है अब देखो यार, है ना शानदार। कुछ भी कहो चीज एंड लेवल लगती है भाई, एकदम एंड लेवल। मतलब कहते हैं ना भाई, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं वो पल आ गया। वो रावण देख लो भाई, खड़ा हो गया फाइनली। तो हाँ जी भी मित्रों, क्या चाल है सभी भाइयों के? तो भी आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी फिलहाल हम तुम्हें रावण स्टैंडिंग की सबसे पहली वीडियो लेकर आ चुके हैं। मतलब दिल्ली के अंदर सबसे पहला रावण तो अपना खड़ा हो चुका है द्वारका सेक्टर 10 में। अब उसके बाद जो अपने वेस्ट दिल्ली के अंदर खड़ा होने जा रहा है टैगोर गार्डन बी ब्लॉक में, जो कि आप मेरे पीछे देख ही रहोगे। और टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो रहा है भाई? मतलब एक ही बज गए। सबसे पहला रावण है जो खड़ा होने जा रहा है, और ऐसा वैसा रावण नहीं भाई। इसकी तारपुर के अंदर इस रावण की ना बहुत वीडियोस बनी है एलईडी लाइट वाली बहुत। और अब ये फाइनली भाई 1 से 1.5 घंटे में खड़ा हो जाएगा, शानदार। ये देखो भाई, रावण की गांठ बंदी करी जा रही है, देख रहे हो रस्सियां बांध रहे हैं। ये चीज देखो, एक रस्सी इस साइड बंध रही है, एक रस्सी उस साइड बंध रही है। रस्सी देख रहे हो कितनी मोटी है, ये देख लो, ये देख रहे हो भाई। सर के ऊपर तार लगा रहे हैं, और इसका फेस ना एक साइड से सिल्वर है और एक साइड से गोल्डन है। इसका फेस मैं आपको दिखाऊं तो भाई, इधर से सिल्वर था और अभी देखो इधर से फेस इसका गोल्डन है। ये चीज नोट कर रहे हो, और कितनी बढ़िया लग रही है। और भैया जी कह रहे हैं बस क्रेन आ गई बाहर मेन रोड पर है, क्रेन भी बस आई गई। इधर ये देखो भाई, ताज लगा रहे हैं सिर पे। ये देखो कितना बढ़िया लगेगा भाई, कुछ अलग ही चीज लगेगी भाई। ये भाई आ गई भाई क्रेन, जिसका इंतजार था वो चीज आ चुकी है। बस ये मान लो 15 से 20 मिनट और अपना रावण खड़ा हो जाएगा भाई मिनट में। लो भाई, रावण की छाती में बीच में रस्सी लगा दी है। मैं आपको पास से नजदीकी से दिखाऊं तो ये देखो भाई, ये देख रहे हो बीच में ये कुछ रस्सी लगा रखी है भाई, और ये कुछ बीम है, बीम देख रहे हो। बाकी मैं आपको टाइम दिखाऊं, टाइम क्या हो रहा है अपना? कहाँ गए भाई तुषार? भाई तुषार टाइम दिखा, टाइम भाई 2:28 हो रहे हैं, और फाइनली भाई क्रेन रावण पे लगने जा रही है, देख लो भाई, देख लो भाई कितनी ऊपर है बीम। लो भाई लग गया भाई फाइनली कुंडा। अबे धीरे धीरे हवा में आएगा देखना। ओ भाई साहब, वो आ गया हवा में आ गया भाई, हवा में आ गया भाई, देख रहे हो भाई आधा हवा में लटक चुका है भाई। क्रेन पीछे कर रही है इसको, ओ भाई साहब, ओए भाई भाई जब लेटा हुआ था ना तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था, अब जैसे जैसे खड़ा हो रहा है ना 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, चीज एंड लेवल लग रही है। देख लो भाई क्रेन पीछे कर रही है, देख रहे हो कितना बड़ा रावण है।
देख लो भाई, दिल्ली का सबसे पहला रावण द्वारका सेक्टर 10 में तो खड़ा हुआ ही था, यहाँ पर भी भाई खड़ा हो गया अपने टैगोर गार्डन बी ब्लॉक में। कितना बढ़िया डिजाइन लग रहा है अब देखो यार, है ना शानदार। मैं जब बता रहा हूँ ना भाई, इस साइड से गोल्डन फेस है, उस साइड से सिल्वर फेस है, कितना प्यारा डेकोरेशन है। भाई देख लो कितने पीछे आना पड़ रहा है पूरा फ्रेम में लेने के लिए। कुछ भी कहो चीज एंड लेवल लगती है भाई, एकदम एंड लेवल। मतलब कहते हैं ना भाई, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं वो पल आ गया। वो रावण देख लो भाई, खड़ा हो गया फाइनली। और कल जो है दशहरा है, आज जो है 11 तारीख है, देख रहे हो चीज, देख रहे हो। मिट्टी भर रहे हैं भाई, देख लो बल्ली के अंदर जो गड्ढा कर रखा था ना उसके अंदर रेता डाल रहे हैं, है ना एकदम खतरनाक चीज। फिर अब ना इसको ना चारों साइड रस्सियों से बांध रहे हैं, देख रहे हो इधर से कुछ रस्सी है, उधर से कुछ रस्सी से बांध रहे हैं, पीछे भी भाई रस्सी से बांध रहे हैं, चारों साइड से रस्सी से बांध रहे हैं इसको। लो भाई देख लो, अब लग रही है ना भाई खड़े हो जाने के बाद, शानदार चीज एकदम बढ़िया जबरदस्त। फिलहाल बस भाई अब इसको 1.5 घंटा लगेगा, क्रेन से ऐसी ये टंगा रहेगा, इसको बांधेंगे रस्सी से टाइटली एकदम, फिर क्रेन अपना कुंडा हटाएगी इसके ऊपर से, फिर उसके बाद इसके पैर लगेंगे, है ना। बस यही कुछ होगा। फाइनली मैंने तुम्हें दिखा दिया टैगोर गार्डन बी ब्लॉक का रावण, ठीक है, जिसकी तितारपुर के अंदर बहुत सारी वीडियो बन रही थी। LED लाइट वाला रावण है भाई, इसके अंदर पूरी LED लाइट लगी है इस रावण में, चीज़ बढ़िया। पर भाई कुछ भी कहो, है ना मस्त। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। ऐसी अगर आपने और रावण स्टैंडिंग की वीडियोस देखनी है तो मेरे पेज को सब्सक्राइब रखना, ऐसी भाई मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स डालता रहूँगा। अभी के लिए बाय 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 बाय।